तो आज चलिए हम आपको बता देते हैं हमारे ट्रस्ट वॉलेट की अर्निंग एक बार फिर। यहाँ पर हम आपको हमारी जो ट्रस्ट वॉलेट की अर्निंग है वो लेटेस्ट अपडेट आपको हम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारी जो अभी अर्निंग है वो हमने यहाँ पर रुपीज़ में डाइट कर ली है, और अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी अर्निंग BNB बैलेंस बाइनेंस USD के और NFT RTA यहाँ पर हमने परचेस कर रखे हैं। जितने भी कॉइंस वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं, और आप यहाँ पर हमारे हर एक कॉइन्स की जो है देख सकते हो कि हमने कितने कॉइन्स यहाँ परचेस करके रखे हैं और कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर हमने परचेस कर रखा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे पास बैलेंस है वो यहाँ पर BNB के अंदर है और दूसरा है Binance USD, क्योंकि फ्रेंड हमने अभी जो है कॉइन जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डीप में चल रहा है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर सबसे हमारा जो अमाउंट है वो निकाल लिया है और Binance USD के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत अमाउंट है हमने वहाँ पर BNB में इसलिए रखा होगा क्योंकि BNB जो प्राइस जो है उसकी प्राइस डीप नहीं जाएगी ज़्यादा, अगर डीप जाएगी भी तो अब हो जाएगी क्योंकि आपको पता है Binance पे नए नए प्रोग्राम एक्सचेंज वगैरह सब लॉन्च हो रहे हैं प्रोग्राम, तो जैसे ही कोई नया प्रोग्राम आता है नया टोकन अपर लिस्ट होता है Binance पे तो BNB का जो प्राइस है वो हाई चला जाता है, तो इसीलिए हमें BNB में कोई भी यहाँ पर लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए हमने BNB में इतना बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। तो आप जो जिन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ट्रस्ट होल्डर की अर्निंग यहाँ पर देखनी है लाइव देखनी है, तो यहाँ पर हमने बता दिया है, और यहाँ तक कि जो हमारे टॉप कॉइन्स भी है उस भी हमने यहाँ पर बता दिया हमने कौन कौन से टोकन्स यहाँ पर परचेस करके रखे हैं। तो आप में से जिन लोगों को टोकन्स परचेस करने हैं तो ये कुछ आइडिया ले सकते हैं हमारे ट्रस्ट होल्डर की अर्निंग से कि कौन कौन से टोकन आपको परचेस करके रखने हैं भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों।